पब्लिक टीवी आपकी आवाज। देखिए, ये मुरादाबाद विकास प्राधिकरण के द्वारा ट्रांसपेरेंसी यानी पारदर्शिता की तरफ एक कदम है तकनीक की मदद से। और सबसे बड़ी बात है लोगों से सीधे जुड़ने की बिना ह्यूमन टच के। क्योंकि क्या होता है कि बीच में अगर कोई व्यक्ति आता है, एक तो ये खतरा होता है कि जो प्रभावशाली लोग हैं वही केवल प्राधिकरण तक अपनी पहुंच बना सकेंगे, और जो ज़रूरतमंद है या कमज़ोर है वो प्राधिकरण तक अपनी पहुंच नहीं बना सकता। तो एक तो वो चीज़ तोड़ने की कोशिश की गई है। दूसरी चीज़ ये है कि इसमें सीधा लोगों से कनेक्ट हो सके प्राधिकरण टेक्नोलॉजी के थ्रू, और जो प्राधिकरण की संपत्तियां हैं वो पारदर्शी तरीके से जो चाहता है, जो जैसा है, उसके पास पहुंच सके। इसके बारे में शुरुआत की गई है। इसमें बेसिकली तीन कंपोनेंट्स हैं। एक तो ऑक्शनिंग है, ई ऑक्शनिंग के थ्रू, यानी आप अपनी बोली लगाते हैं। पहली बात तो एक मुरादाबाद विकास प्राधिकरण की वेबसाइट जो हर एक चीज़ के बारे में जानकारी देने वाली एक वेबसाइट ही पूरी की पूरी लॉन्च की गई है। दूसरी व्यवस्था है ई ऑक्शनिंग का। ऑक्शनिंग का मतलब कि यदि मुरादाबाद विकास प्राधिकरण की कोई प्रॉपर्टी है और उसके लिए ऑक्शनिंग जारी की गई है, तो वो पूरी तिथि के साथ अवेलेबल रहेगी। उस ऑक्शनिंग वेबसाइट पर जाने के बाद लोग कहीं पे भी बैठे हुए उसकी ऑक्शनिंग कर सकेंगे। उसकी एक पूरी प्रक्रिया यूट्यूब के वीडियो के द्वारा मुरादाबाद विकास प्राधिकरण ने जारी भी की हुई है। कोई भी उस वीडियो को देख सकता है। अच्छी बात यह है कि आप लास्ट मिनट तक चाहें तो अपनी बोली को रिवाइज कर सकते हैं। मसलन अगर आपने बोली लगाई और उसके आगे किसी और ने बोली लगा दी है, तो आप जब फिर से देखने जाएंगे आपको पता चलेगा कि आपसे ज़्यादा बोली कोई लगा चुका है, और 5 मिनट का कुशन भी आपके पास रहेगा लास्ट मिनट तक कि 5 मिनट पहले तक आप चाहें तो उस बोली को रिवाइज अपनी कर सकते हैं और बोली बेहतर कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि किसी की मोनोपोली उस पर नहीं रहेगी, कोई बीच में उसमें दलालों की जो संख्या है वो घटेगी नहीं रहेगी बिल्कुल, और कोई भी व्यक्ति चाहे तो बोली लगा सकता है। और तीसरा, माई MDA ऐप है जो मोबाइल फ़ोन पर लोगों को सारी MDA के प्रॉपर्टीज़ के बारे में जानकारी रहेगी, और वो चाहे तो कहीं से भी उस ऐप में लॉगिन करने के बाद वो सारी चीज़ों की जानकारी ले सकते हैं कि क्या चल रहा है। धीरे धीरे इसको अद्यतन करते जाएंगे, चाहे वो कोई भी चीज़ हो, हर एक चीज़ को टेक्नोलॉजिकली लोगों की पहुँच के अंदर ले जाने की कोशिश हो रही है। जो दिक्कतें लोग फेस कर रहे हैं वो चाहे नक्शे से संबंधित, चाहे किसी चीज़ के बारे में। और एक और भी चीज़ है, कोई अगर हम ये लोगों को इसके मार्फत दे रहे हैं सुविधा की कहीं पे अगर अवैध निर्माण हो रहा है, उसकी सूचना कोई चाहे तो दे सकता है, उसके थ्रू शिकायत कर सकता है, और उस पर MDA तुरंत कार्रवाई करेगा। तो इससे क्या होगा कि कई सारी जगहों पर एक तो अवैध निर्माण रुकेगा, दूसरी बात यह है कि कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले उसकी पहचान कर सकता है। धीरे धीरे वो चीज़ भी हम लेके आएंगे कि ये प्रॉपर्टी वैध है कि नहीं, MDA द्वारा अप्रूव्ड है कि नहीं। धीरे धीरे सारी चीज़ों के, सारी संपत्तियों के बारे में विवरण दिया जाएगा, जिससे एक तो सुव्यवस्थित जो विकास है उसकी दिशा में हम कदम रखेंगे, लोगों को ठगने से बचाने की दिशा में ये कदम होगा, और तीसरी बात यह है कि ज़रूरतमंद को जो चीज़ है उसके हाथ में जाएगी, और बीच में जितने जो कारक हैं डिस्टर्ब करने वाले उनको माइनस कर पाएंगे। मैं इसके लिए मुरादाबाद विकास प्राधिकरण की टीम VC साहब को विशेष रूप से, जिन्होंने शुरुआत की और निरंतर लगातार प्रयास कर रहे हैं कि पब्लिक और विकास प्राधिकरण के बीच की दूरी ख़त्म हो, तकनीक की सहायता से लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी दी जा सके, और प्राधिकरण एक जो स्वच्छ पारदर्शी राह पर चल सके, इसके लिए VC मुरादाबाद और उनकी पूरी टीम बधाई के पात्र है। सर, क्या अपील करना चाहेंगे आम पब्लिक से? मैं लोगों से अपील करूंगा, इस तकनीक को देखें, हो सकता है शुरू में कुछ ग्लिचेज आवें, हमें फीडबैक दें, और ज़्यादा से ज़्यादा तकनीक के माध्यम से ही प्राधिकरण को संपर्क करें। कोई अगर समस्या आती है तो प्राधिकरण के कर्मी आपके समस्या का समाधान करने के लिए तत्पर रहेंगे। किसी से कोई शिकायत है अगर प्राधिकरण के किसी कर्मी से, तो VC साहब के संज्ञान में ले आवें। बिना किसी आशंका के आप प्राधिकरण की जो प्रॉपर्टीज़ है उसमें प्रतिभाग करें। प्राधिकरण से संबंधित किसी समस्या के लिए प्राधिकरण को संपर्क करें, और कहीं पे किसी को भी सशंकित होने की का कोई कारण नहीं है। और ये बात दिमाग से निकाल दें कि हर बात के लिए बिना किसी अप्रोच के या बिना किसी पैसे के काम नहीं होगा। हम उस दिशा में कदम बढ़ा रहे हैं जहाँ पर किसी भी तरीके का ऐसा इंटरवेंशन ना हो, जहाँ लोगों की ये सोच हम बदल ना सकें, लोगों की सोच को और आगे ले जा सकें, पारदर्शी बना सकें, लोग हमारा सहयोग करें, और किसी के झांसे में, किसी के बहकावे में ना आवें कि वो किसी का कोई भी काम करा सकता है। प्राधिकरण में जो भी होगा पारदर्शी तरीके से काम होगा, नियम के अनुसार काम होगा,
और सबसे बड़ी बात, समयबद्ध तरीके से काम होगा उसकी तरफ हम बढ़ रहे हैं कि प्राधिकरण बार बार लोगों को दौड़ना न पड़े। आप देख रहे हैं एनओसी से लेकर हर एक चीज़ की प्रक्रिया हम आसान कर रहे हैं और धीरे धीरे एकदम सरलतम प्रक्रिया तक लेके जाएंगे जहां पर लोगों को किसी तरीके की समस्या का सामना न करना पड़े। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।